Assalamu alaikum students. Today we are going to start topic number 4, excretion in animals. As you know that many chemical reactions are take place in the cells of living organisms all the time to carry out the life processes. These chemical reactions may be catabolic or anabolic, and as a sum of these reactions it is called metabolism. So metabolism produces useful products as well as toxic. So useful products jo metabolism mein ban rahe hain, they are used by body. But jo toxic or surplus products honge, they are excreted out of the body. So what are these excretory products in animals? Kaun se aise surplus, wasteful या toxic materials जो है animals में produce हो रहे हैं as a result of metabolic reactions. तो उसमें हमारे पास यहाँ पे list दी है कि कौन कौन से metabolic products हैं जो हमारी body के लिए गैर जरूरी हैं और उनको जल्द अज जल्द जो है body से excrete out करना जरूरी है, otherwise it can cause diseases and many problems for the animals to sustain life. तो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज यू नो आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स. इसके अलावा आपको पता है कि वाटर एंड सॉल्ट जो हैं, अगर वो हमारी बॉडी में एक्सेस होंगे तो दे आर एक्सक्रीटेड आउट. इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट दे आर लिविंग. इफ दे आर लिविंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो दे विल एक्सक्रीट आउट एक्सेस वाटर. और इफ दे आर लिविंग इन अ एनवायरनमेंट दैट इज हाइपरटोनिक तो वहां पे एक्सेस ऑफ सॉल्ट की वजह से वो उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे. एज यू नो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से वाटर एक्वायर करते हैं, बाय देयर फूड या फिर उसको डायरेक्टली ड्रिंक करके या एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी वाटर प्रोड्यूस होता है. तो ये जो है वाटर इस वजह से यहाँ प्रोड्यूस होगा और अगर हमारी बॉडी में यूज हो जाए और इस ये तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा बचेगा तो सरप्लस होगा वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. इसके अलावा भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक केमिकल्स फ्रॉम मेडिसिन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस या कुछ सर्कुलेटिंग हार्मोन्स. ठीक है, तो ये जो है ये भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनके साथ एलिमिनेट हो जाते हैं. फिर यहाँ पे कुछ जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनका हमारी बॉडी से निकलना जो है एक्सक्रीट आउट होना बहुत जरूरी है. तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है वेस्ट जो है वो क्या होते हैं, दे आर कम्पोज ऑफ नाइट्रोजन. तो इसमें हमारे पास क्रिटिनिन है, क्रिटिन है. क्रिटिन जो है हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज यूज फॉर एनर्जी. और क्रिटिनिन जो है हमारे मसल टिश्यूज की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है. इसी तरह TMO जिसे हम ट्राइमिथाइल ऑक्साइड कहते हैं, ये हमारी बॉडी में गट माइक्रोबियल मेटाबोलिज्म से प्रोड्यूस होता है. फिर जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से आते हैं. फिर प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स जो नाइट्रोजनस स्पीसीज होती हैं ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और इनकी मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन से हमारे पास जो है क्या बनते हैं, हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिक एसिड, एलेंटॉइन, यूरिया एंड अमोनिया. अब जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं किसी भी एनिमल में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमने जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट देखी तो ये हर ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे. और अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अमोनिया जो है उसको एक्सक्रीट आउट करेंगे, कुछ यूरिया को एंड कुछ यूरिक एसिड को. तो जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उनको हम अमोनोटेलिक बोलेंगे. इसी तरह से जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उनको हम यूरियोटेलिक बोलेंगे. फिर वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड जो है उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं उनको हम यूरिकोटेलिक बोलेंगे. ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक.
तो सबसे पहले हमारे पास जो है फिशीज हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो ये जो है अमोनिया जो है उसको एक्सक्रीट आउट करेंगे, इसलिए हम इन्हें अमोनोटेलिक बोलेंगे। तो ये जो है आपको पता है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे बहुत सरप्लस और एक्सेस वाटर होता है, तो अमोनिया जो है ये अपनी स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू जो है डिफ्यूज आउट कर देते हैं, और इस क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये जो है अमोनिया को एक्सक्रीट आउट इजीली कर सकते हैं। बिकॉज 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ 1 g ऑफ अमोनिया, इतना अगर वाटर अवेलेबल है तो दे कैन एक्सक्रीट अमोनिया, और इट इज ओनली पॉसिबल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। और इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए लीस्ट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर हमारे पास है यूरियोटेलिक। तो जैसे ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे मूव फ्रॉम वाटर टू लैंड, तो उन उनके अंदर जो हैं कुछ जो हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस आए। एज यू नो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है लैंड के ऊपर कम है, तो दे कैन नॉट यूज 500 ml ऑफ वाटर फॉर जस्ट रिलीज ऑफ 1 g ऑफ अमोनिया। ठीक है, उन्हें अपने वाटर को जो है बचाना है एज इट इज ऑफ लिमिटेड क्वांटिटी। तो ये जो है इन्होंने अपने अंदर कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए हैं जिसकी वजह से ये जो है उसे लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ जो है एक्सक्रीट आउट कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है मैमल्स की, मोस्ट एम्फीबियन शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस। तो 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 g ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया। इसी तरह से हमारे पास जो है यूरिकोटेलिक है। अब ये जो है इस तरह की एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगी जहाँ बिल्कुल ही कम होगा वाटर, जैसे कि हमारी डेजर्ट एनवायरनमेंट भी हो सकती है, तो जहाँ पे आपको पता है कई दिनों तक जो है ऑर्गेनिजम्स को वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, दे हैव टू सस्टेन देयर लाइफ विद लिमिटेड रिसोर्सिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इनको कुछ ऐसी अडोप्टेशन की जरूरत थी कि ये उससे भी जो है कम क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ जो है इसको नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज कर सकें। तो ये लीस्ट हार्मफुल है एंड लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर है। तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर की सूरत में ये यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे। सो ओनली 1 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 g एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो ये जो है एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशंस की हैं, एडजस्टमेंट्स की हैं स्ट्रक्चर और अपनी हैबिट्स में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। और दे इन्होंने सिर्फ अपने अंदर ही नहीं चेंजेस लाए बल्कि दे ट्रांसफर्ड इट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन टू इम्प्रूव एबिलिटी टू सर्वाइव, ताकि नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से ही खुद को बचा सके। अब हमारे पास यहाँ मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ यूरिया साइकिल है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारी एग्जांपल है, हम लोग जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को एज अ यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये यूरिया जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर जो है कुछ एनर्जी लगती है, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें कि सिट्रोलाइन जो है हमारे पास मौजूद है, ये किस तरह से बनता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्निथिन, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड टू फॉर्म सिट्रुलीन। अब सिट्रुलीन जो है वो एक इंटरमीडिएट है यूरिया साइकिल का एंड ऑल्सो अ प्रीकर्सर ऑफ आर्जिनिन। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड नाइट्रोजन एटम जो है वो इंट्रोड्यूस होगा यूरिया साइकिल में इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन काफी सारे जो रिएक्शन के स्टेप्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, और उससे हमारे पास एक इंटरमीडिएट आर्जिनोसक्सीनेट बनेगा। तो ये सब स्टेप्स जो हैं कैटलाइज हो रहे हैं बाय एंजाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है आर्जिनिन, जो कि फॉर्म है प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट आर्जिनेज एंजाइम जो है वो कैटलाइज करेगा आर्जिनिन को इंटू यूरिया एंड ऑर्निथिन। तो यूरिया जो है यहाँ पे बन जाएगा जबकि ऑर्निथिन और हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा, जबकि ऑर्निथिन जो है वो क्या होगा, वो दोबारा से इस साइकिल को स्टार्ट करेगा। इट इज एन इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट यूज्ड एज सबस्ट्रेट फॉर सिट्रोलिन फॉर्मेशन, जबकि यूरिया जो है
किडनीज में जाके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक आज का यही एंड होता है। थैंक यू।